कराए ओ मैडम तेरी चाल। और सभी लोग बैठे हैं, शिक्षक वर्ग के लोग बैठे और क्या विजय भैया लोग सब लोग शिक्षक वर्ग के लोग बैठे हैं। तो इस खंड गीत में कुछ है नहीं, बस शशि जी एक छोटा सा काम है बस, और समझदार के लिए इशारा काफी है। मुझे विश्वास है उत्तर अभी तक कहीं नहीं मिला, आपसे मिल जाएगा और क्या, आपसे नहीं मिलेगा तो कहीं नहीं मिलेगा। सही है, लेकिन कोशिश करिएगा कि उत्तर उत्तर हो, दक्षिण ना होना। और क्या, उत्तर उत्तर हो दक्षिण। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिख दिया, और आप लोग भी जानते हैं कि जिस समय हनुमान जी को भूख लगी, सीता की खबर लेने पहुंचे, हमारी माताएं बहने भी सुने, सीता की खबर लेने पहुंचे, सीता जी को अपना परिचय बताया और कहा मैया मुझे भूख लग रही है, अगर आपकी आज्ञा हो तो इस लंका में बढ़िया बढ़िया फल लगे हैं, मैं खा लूं। माता ने कहा खा लो हनुमान। अब हनुमान फल खाने के लिए आगे बढ़े तो जो फल अच्छे लग रहे हैं वो खा रहे हैं, जो नहीं अच्छे लग रहे हैं वो तोड़ तोड़ कर फेंक रहे हैं। लेकिन रावण के दूत, रावण के सैनिक जब हनुमान जी को मारने के लिए आगे बढ़े तो हनुमान जी ने सब उनका काम बिगाड़ कर रख दिया। तो गोस्वामी जी ने लिख दिया कि कछु मारे सी कछु मर्दे सी कछु मिले सी धारी दूर। ऐसे मारा हनुमान ने, और जब मारा तो पंक्ति कह रही है क्या के कुछ को पटक पटक संधारा, के कुछ को पटक पटक संधारा, कुछ को मरती मर्द महिटारा। ससुरा जी अक्षय कुमार को मारा, कपिका अद्भुत रूप निहारा। वो एक पंक्ति कह रही है या? तो तक्षण सब ने यही विचारा, बोले भागो भागो यारा। सब हनुमान को देखकर कहने लगे के बोलो भागो भागो यारा। तो वहाँ तब कुछ तो एक दो तीन हुए, कुछ हो गए नौ दो ग्यारह। वाह, समझो समझो, बस दो मुहावरे चल रहे हैं। एक मुहावरा एक दो तीन मतलब वही निकल रहा है भाग जाना, और क्या, और नौ दो ग्यारह उसका मतलब भी है भाग जाना। भाग जाना और क्या, एक दो तीन नौ दो ग्यारह। और एक काम और है, निकल लो एक दो तीन, एक दो मिलाइए तो तीन, और नौ दो ग्यारह, नौ दो मिलाइए तो ग्यारह। बस कट पीस में यही काम है, समझो। तो कपिका अद्भुत रूप निहारा, तक्षण सबने यही विचारा, बोले भागो भागो यारा। तो तब कुछ तो एक दो तीन हुए, कुछ हो गए नौ दो ग्यारह। Oh, man.
चारों जो प्रताप तुम्हारा। अच्छा हनुमान जी का क्या नाम था सतयुग में? ये जो बैठे हैं इनसे पूछो। अरे लिखा है किसी ऐसे वैसे व्यक्ति ने नहीं, तुलसी बाबा ने लिखा है कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा है। मैं केवल संकेत कर रहा हूं, सतयुग में हनुमान जी महाराज का नाम था ब्रसाकपि। ब्रसाकपि नाम था। मरे ज्ञानेंद्र भैया धक्का लगाए हैं, बिगड़ी गाड़ी बैठे हैं आपके बिल्कुल पास में, उनको जानकारी है। और क्या? आप धक्का ना लगा। कहने लगे कि बाद में हम आए और हमको शुरू करना पड़ा, कटबीज भी पहले आपने गा दिया। क्रांतिमाला जी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हम लोग शुरू करने जा रहे थे और आपने जबरदस्ती शुरू कर दिया कि नहीं हम शुरू करेंगे। कटबीज के लिए मेरे भैया कुरपेंची जी बैठे हुए हैं, इन्होंने दो बार हमने मना भी किया कि प्रथम चक्र में कटबीज नहीं होती है, लेकिन कहा नहीं कटबीज की शुरुआत आपको करनी है। तब मैंने गा दिया, वो भी आपको हजम नहीं हो रहा है। हनुमान जी महाराज तो दो दिन समर्पित हैं, सप्ताह के दो दिन। एक हमने गाया था और एक हमने छोड़ दिया था। जवाब में लाती आप, शंकर जी का सोमवार है, देव गुरु बृहस्पति का बृहस्पतिवार है, गणेश जी महाराज का बुधवार है, लेकिन हनुमान जी महाराज के दो दिन हैं, एक मंगलवार और दूसरा शनिवार। पूरा पूरा दिन छोड़ दिया था, और जो हम गा रहे हैं वही मंगल लिए खड़ी हो। ये है कमजोरी के लक्षण। चलो ठीक है, क्यों फूटा गुरु? और कटपीस में तो आपने इतनी मेहनत कर दी, मोनू भैया बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। और क्या, कटपीस में हमको बड़ा अफसोस हुआ, हमारे ज्ञानेंद्र भैया ने पुरस्कार दे दिया रचनाकार को। कटपीस में वो तिरुपति बाला, वो तिरुपति बाला, अच्छा तिरुपति बाला जी जो है वो हनुमान जी है। जी राम जी राम। इसे कहो कान पकड़े पकड़े। पुरस्कार वापस करिए। इच्छा तो नहीं देख रहे थे। अरे तिरुपति बालाजी में हनुमान जी है ही नहीं है। पुरस्कार कौन दे रहा है हमारे ज्ञानी कमल जमल? अरे राम ढका है आपको बस। तिरुपति बाला में, तिरुपति बालाजी में भगवान विष्णु जी हैं। यह है पढ़ाई, बात बालाजी की हो रही है हनुमान जी महाराज की। यह है पढ़ाई लिखाई। और क्या, ये खड़िया थोड़ी खाते थे। तो सतयुग में हनुमान जी कौन थे? क्रांति बालाजी ठंडे दिमाग से सुना करिए और विचार करने के बाद। बाकी रचनाकार तो अच्छे हैं। और क्या, वाह तहरी बढ़िया बना लेते। छोड़ता हूँ, छोड़ो समय का बंधन है, छोड़ो मिट्टी, चलते हैं पहले आपकी कटपीस पर। एक सर्कस मिला है, ये कहीं से टीप के आया है कि ओ मैडम तेरी चाल। Say me.
हो गया आज की करिए की करिए चोरी साटा हो गया की करिए गाना है जो आप लाई हो कि कुछ को पटक पटक संघारा कुछ को मर्दी मर्दी महिगारा जो अच्छे कुमार को मारा कि कभी का अद्भुत रूप निहारा तो सब बोले भागो यारा कुछ तो एक दो तीन हुए कुछ हो गए नौ दो ग्यारह वाह क्रांति माला जी कुछ चीजें बहुत कम मात्रा में मिलती हैं एक दो तीन और नौ दो ग्यारह देखिए आपने अपना गणित बैठाया है हम अपने हिसाब से ला रहे हैं जवाब और क्या क्या नहीं दिया जब पूछ में आग लगी तो लंका उलट पुलट कर जा रहा लंका उलट पलट कर जा रहा सबके चेहरे पे बच गए मारा उलट पलट लंका सब जारी लंका उलट पलट कर जा रहा सबके चेहरे पे बच गए मारा जो सनी देव का मिला सहारा तहखाने में सनी देव के बंधन खोले और जैसे ही सनी देव की दृष्टि पड़ी लंका काली हो गई लंका हनुमान जी महाराज भी जला रहे हैं तो सनी देव भी जला रहे हैं सोचो सोचो कि लंका उलटी पलटी कर जा रहा सबके चेहरे पे बज गए मारा जो सनी देव का मिला सहारा एक किस इक्कीस है सब पे कर दिया मारा न्यारा जब सनी देव हनुमान जी दोनों हैं तो हमको लिखना पड़ा एक किस इक्कीस है सब पे कर दिया वारा न्यारा दोनों हैं नहले पर दहला मिलके एक एक हुए ग्यारा ये बात और क्या ये हो जय हो वाह वाह और ये एक पुष्पमाल 51 मुद्राएं हमारे लिए और 51 मुद्राएं भी हमारे उदय शर्मा जी के लिए क्या बात है वाह ये ज्ञानेंद्र कमल जी क्रांतिमाला जी आपकी गणित है एक दो अगर एक दो को जोड़ा जाए तो तीन होता है और हमने दिखाया एक एक मिल एक एक मिल करके एक वन प्लस वन बराबर टू लेकिन यहाँ एक एक मिल करके 11 हो रहे हैं और एक कहावत भी आ रही है वो गिनती भी आ रही है समझते रहो कि दोनों हैं नहले पर दहला हुए एक एक मिल 11 एक दो को मिलाया तो तीन हुए नौ दो को मिलाया तो 11 हुए या एक एक मिलके 11 हो रहे हैं क्या बात है वाह वाह और आपने बड़ी फुर्सत में